जी हाँ दोस्तों, बाइनेंस के ऊपर हमेशा कोई ना कोई लॉन्च पैड के ऊपर या फिर लॉन्च पूल के ऊपर प्रोजेक्ट आते ही रहता है, और इस बार भी लॉन्च पूल के ऊपर प्रोजेक्ट आया है, लेकिन आप इसमें डिले बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब भी लॉन्च पूल के ऊपर प्रोजेक्ट आया तो वो कम से कम एक महीना 28 दिन का प्रोजेक्ट आया, जिसमें हमें एक महीना फार्मिंग करने का मिलता था और बीच में 10-15 दिन के बाद उस कॉइन की लिस्टिंग होती थी, लेकिन इस बार टाइम बचा सिर्फ और सिर्फ 6.5 दिन का। ऑलरेडी आधा दिन जा चुका है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की फार्मिंग थी, और मैं आपको जितनी जल्दी हो सकता है बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इस फार्मिंग को मिस ना करें, और जो भी फ्री यहाँ पे टोकन्स मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करें, क्योंकि लिस्टिंग होते ही यहाँ पे आप बहुत हाई प्राइस पे सेल भी कर पाएंगे। और ये प्रोजेक्ट अभी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, इसका ICO जो होने वाला है वो डायरेक्टली बाइनेंस के ऊपर होने वाला है। ये मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो का इसे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम यहां पे क्विक एक्शंस लेते हैं। और डिस्कशन करना चाहते हो, मेरे साथ कोई भी बात करना चाहते हो, तो वॉल्फ्ट डिस्कस के ऊपर आ जाइए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको हमारे ट्रेडर्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी कि प्रोजेक्ट है क्या चीज़। NFP के नाम से इनका टोकन है, इसका टिकर NFP है, और जो नाम है प्रोजेक्ट का वो है NF Prompt। अगर हम इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है AI+NFT Mint Your Imagination, यानी कि हम कुछ भी सोचते हैं उसके बेसिस पर हम वहाँ यहाँ कुछ भी बना सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, और हमारा NFT जनरेट होगा, उस NFT को हम यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। ऑलरेडी इनके पास जो क्रिएटर 2 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं, NFTs इनके 11 लाख से भी ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं, Artworks 12 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि इनके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, और इनके इंटीग्रेशंस भी आप देख सकते हैं, OPBNB, Spiderverse, इसी के साथ Pokemon, तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं, और इतनी बड़ी प्रोफाइल बनाने के बाद, प्रोजेक्ट को स्ट्रांग बनाने के बाद ही अपना ICO करने वाले हैं, जो कि आज हम देख पा रहे हैं कि ये बाइनेंस के ऊपर डायरेक्टली आ चुका है। तो यहाँ पे अगर इनके ट्विटर के हैंडल के ऊपर जाते हैं, एक्स के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे NFP फेयर लॉन्च इन बाइनेंस लॉन्च पूल टिल 12/27, यानी कि 27 तक यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा ध्यान दिया AI और Web3 के ऊपर, जितने भी डेवलपर्स हैं या क्रिएटर्स हैं जो AI को यूज़ करना चाहते हैं या Web3 के द्वारा हेल्प लेकर यहाँ पे क्रिएशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये तो क्रिएटर्स की बात होगी, लेकिन हम जैसे जिनके पास कॉइन्स पड़े हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है फार्मिंग नाउ ओपन NFP, तो ये बाइनेंस ने भी अपनी तरफ से नोटिस डाल दिए कि यहाँ पे हम BNB, FDSD, TSD इनको स्टे करके यहाँ पे 5-6 दिन तक फार्मिंग कर सकते हैं, और फार्मिंग करके यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा हमें ये होने वाला है कि NFP लिस्ट होने से पहले पहले हमारे पास पहले ही आ जाएगा, क्योंकि जब तो लिस्ट हो जाता है तो उस वक्त बाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन सेल करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास पहले ही कॉइन्स होंगे तो हम उन कॉइन्स को ईजिली बाय सेल कर पाएंगे, यानी कि लिस्ट होने से पहले पहले हमारे पास होगा ये कॉइन। तो यहाँ पे NFP के जो पूल्स हैं वो हैं BNB पूल, FDSD पूल, TSD पूल। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे एक तो आपके पास BNB होना चाहिए, और BNB नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी स्टेबल कॉइन रख लीजिए। अगर आपके पास USDT पड़ा है, USDC पड़ा है, कोई भी स्टेबल कॉइन पड़ा है, तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर लो FDSD में या फिर TUSD में, और कन्वर्ट करके यहाँ पे आपने स्टे कर देना है, स्टे करके आपकी फार्मिंग होने वाली है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो बाइनेंस के ऊपर हमें मिलता है वो ये है कि यहाँ पे आप इजीली स्टे कर सकते हो और इजीली रिडीम भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कॉइन्स नहीं चाहिए, ऐसी स्पॉट वॉलेट में पड़े हैं, तो अपने BNBs, TUSDs को यहाँ पे स्टे करो, जितना चाहते हैं उतना स्टे करो, और अगर आपको सडनली नीड पड़ जाती है, सडनली आपने उसको विड्रॉ करना है, तो सडनली आपने रिडीम के ऊपर क्लिक कर देना है, जितना आपने रिडीम करना चाहे पूरा पूरा रिडीम करना है, रिडीम करो, सीधा डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। तो यही सबसे बड़ा फायदा लॉन्च पूल का। और एक और सवाल मुझे हमेशा आता है, वो मैं अभी पहले से जवाब दे देता हूँ, कि अगर आप इसको रिडीम नहीं भी करते हो, यानी कि जो आपने यहाँ पे अपने एसेट BNB, FDSD, TUSD डाले हैं, अगर आप उसको रिडीम नहीं भी करते हो तब भी कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ पे जो फार्मिंग है एंड होती है तो वो अपने आप ही आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाता है। और दूसरी चीज़, आपके जो रिवॉर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे, जो NFP में रिवॉर्ड बनेंगे, अगर आप वो भी रिडीम नहीं करते हो, ना करने पर भी वो अपने आप ही आपके वॉलेट में, स्पॉट वॉलेट में चला ही जाता है इन द एंड। तो ये भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो यहाँ पे रिवॉर्ड्स बनेंगे, क्लेम चाहे नहीं भी करते हैं तब भी आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपके ही हैं, और आपके स्पॉट वॉलेट में जाएंगे ही जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की सिरदर्दी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एक डिफरेंस दिखा है जो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। तो हब एक्सचेंज के ऊपर क्या है कि वहाँ पे TRX स्टेक होता है, जैसे कि बाइनेंस के ऊपर इनका अपना BNB स्टेक होता है, वैसे हब एक्सचेंज जो कि HTX के नाम से अभी, HTX के ऊपर TRX स्टेक होता है। तो जब भी हम TRX वहाँ पे स्टेक कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखती है कि TRX आपके स्पॉट वॉलेट में उसी तरीके से दिखता रहता है, पहली बात। दूसरी चीज़,
जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं क्लेम नहीं करने पड़ते, डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाते हैं। जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया होगा कि म्यूजिक कॉइन्स, गाला का म्यूजिक कॉइन्स फ्री में मिल रहा है, तो मेरे ऑलरेडी शायद 150 के आसपास गाला म्यूजिक कॉइन्स फ्री में बन चुके हैं, काफ़ी सारे कॉइन्स बन चुके हैं। तो ये थोड़ा फायदा है हॉबी एक्सचेंज का कि वहाँ पे TRX स्पॉट में ही रहते हैं और आपको यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लेना पड़ता। जी हाँ, लेकिन अगर आपको रिडीम करना है तो रिडीम करके ही आप उसको ट्रेड कर पाओगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि BNB अगर पड़े हैं तो उनको स्टेक कर लो, अगर BNB किसी और एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं, किसी और वॉलेट में पड़े हैं, तो उनको अपने बाइनेंस के ऊपर ले आओ। और अगर आपने अभी तक भी बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बहुत कुछ मिलता है। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाह रहा था लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा कि आपको ऑलरेडी एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं और आप इन एयर ड्रॉप्स को जाकर चेक भी कर सकते हैं। APNFT के एयर ड्रॉप मिल रहे हैं, XRP होल्डर्स को यहाँ पे कुछ कॉइन्स मिल रहे हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। तो ये हम नहीं करते हैं, हमारा यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, बाइनेंस अपने आप ही करता रहता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप लाता है तो बाइनेंस अपने आप दे देता है। तो BNB है या FDSD पड़ा है, ये स्टेबल कॉइन है, TUSD पड़ा है, ये भी स्टेबल कॉइन है, इनको स्टेक करो और आपकी अर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरी अर्निंग है पिछले 6-7 घंटे के अंदर जो बनी है, 2.6 NFP बने हैं TUSD पूल में। और अगर हम BNB पूल की बात करें तो BNB पूल में मेरे लगभग 2 NFP बन चुके हैं, यानी कि 4-5 NFPs ऑलरेडी बन चुके हैं। और इस तरीके से अगर स्पीड चलती रही तो बहुत अच्छा होगा, एक हफ्ते में काफ़ी सारे NFPs में अर्न कर लूँगा। अभी बचे हैं लगभग 6 दिन बचे, तो 6 दिन तक हो सकता है कि अगर अच्छे खासी क्वांटिटी बन जाती है तो इसको मैं ईजिली सेल करूँगा एंड अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। हो सकता है ऐसा भी हो, अगर बहुत ऊपर वैल्यू चली जाती है तो मैं इसको हाफ सेल करूंगा, हाफ होल्ड करूंगा, क्योंकि कुछ दिन तक ट्रेडिंग चलती है तो कुछ दिन तक वैल्यू अप डाउन चलती रहती है। वॉल्टिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ क्या होगी कि NFP की लिस्टिंग बाकी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर भी होने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ बाइनेंस के ऊपर होगा। जब भी इसकी लिस्टिंग और भी कहीं ना कहीं पर चलती रहेगी तो यहाँ पर NFP में पंप आता ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट मुझे लगा है और ये ऑलरेडी BNB चेन के टॉप प्रोजेक्ट्स में से एक आ रहा है। इन्होंने खुद ही यहाँ पे रीपोस्ट किया, जो कि BNB चेन वालों ने खुद एक्स के ऊपर डाला था। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। एंड हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी स्टेक हो रहा है कभी भी रिडीम करो, नहीं भी करते हो तब भी आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। तो इससे पहले हमने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया है, कुछ ना कुछ कॉइन्स लिए ही लिए। तो मैंने आपको अभी हॉबी का बता दिया, उसके ऊपर चल रहा है ट्रॉन स्टे करके, यहाँ पे चल रहा है BNB स्टे करके, और भी काफ़ी सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है एंड बहुत बड़ी चीज़ें यहां पे देखने को मिलती है कि सोलाना ने अपना जो पोजीशन है वो XRP के ऊपर कर लिया, 5th पोजीशन कर लिया। तो सोलाना की अगर आपको डिटेल चाहिए, XRP की चाहिए, कार्डानो, FX किसी की भी चाहिए, कोई भी अच्छा ऑल्टकॉइन है, नीचे कमेंट करो, मैं उसका डीप एनालिसिस लेकर आऊँगा ताकि आप प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझें, फिर उसमें ट्रेड करें या फिर उसके पैटर्न को समझ के ही उसमें ट्रेड करें। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार नीचे कमेंट करके लॉन्च पूल ज़रूर लिखना ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपने भी लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कर लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।